हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरे चने की सब्ज़ी, जो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। सबको खानी चाहिए, हमने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है ये, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो हरे चने आप सबको पता है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं ये, तो हमें ज़रूर खानी चाहिए इस सीज़न के अंदर हरे चने की सब्ज़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ये हरे चने लिए हैं लगभग 2 कटोरी के करीब। तो ये देखिए, हरे चने हमारे बिल्कुल फ्रेश हैं। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा इनको क्रश कर लिया है। आप चाहो तो मिक्सी के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल इसका मतलब चूरा नहीं बनाना है, इसका थोड़ा सा दरदरा सा रहने देना, जिससे बहुत ही टेस्टी और घुली घुली सब्ज़ी बनती है हरे चने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकर के अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल के अंदर हम डालेंगे जीरा, और जीरे को थोड़ा सा पकने देते हैं कलर चेंज होने तक। अब हमने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने कट करके और डाल दिया, वो जब तक फ्राई होता है तब तक हम टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्ची और एक टमाटर था, जिसको मैंने पेस्ट बना के और डाल दिया है प्याज के साथ, और इसको भी अच्छे से पका लेंगे, जिससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी हमारे हरे चने की सब्ज़ी की। और हरे चने को भी हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, तो बहुत टेस्टी बनती है इस प्रकार से हरे चने की सब्ज़ी। तो ये देखिए, हमारे जो टमाटर प्याज हरी मिर्चियाँ, उनमें अच्छा से उबाल आने के बाद में मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच नमक डाल दिया है, और नमक को अच्छे से कर देंगे मिक्स। नमक को मिक्स करने के बाद में मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी और नमक दोनों डाल दिए हैं, और अब डालेंगे 1 छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे लाल मिर्ची पाउडर को भी। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, अब हमने इसके अंदर 1 छोटी चम्मच डाला है धनिया पाउडर। तो ऐसे करके हमने सभी मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रख रखा है, मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकते हैं हमारे मसाले। और अब हम इसके अंदर जो हमने चने लिए थे वो डाल देंगे। उनको मैंने दरदरा सा पीस लिया था, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर हरे चने डाल दिए हैं, और उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम लास्ट में अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे क्या है, पानी से अच्छे से ये इसमें ग्रेवी बन जाएगी बहुत ही टेस्टी। आप चाहो तो पानी नहीं भी डाल सकते हो अगर नहीं पसंद है ग्रेवी तो, लेकिन ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है ऐसी सब्ज़ी के अंदर। तो ये देखिए, मैंने पानी डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम कुकर के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, और लगभग इसमें 3 सीटी लगने देते हैं। 3 सीटी के अंदर हमारे जो चने हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए, 3 सीटी के बाद में हम देखते हैं कि चने की सब्ज़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है हमारी, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से घुल भी गई है, बहुत ही अच्छी बनी है। हेल्दी एंड पौष्टिक एंड स्वादिष्ट सभी चीज़ सभी गुण इसमें हैं। तो मैं इसको अलग बर्तन के अंदर निकाल देती हूँ। हमारी सब्ज़ी बनके हो चुकी है रेडी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके पास में जो घंटे का निशान है उसको ज़रूर दबाना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।